नौटंकी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों आज इसके बारे में चर्चा करूंगा। नौटंकी देखने व सुनने वाले जानना चाहते हैं उन कलाकारों के बारे में जिन्हें वो देखते हैं कि वो पहले क्या थे, उन्होंने कैसे जीवन बिताया, आज क्या है। दोस्तों ये सब बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत से एक्टर ऐसे हैं जो अपने असली नाम से कम अपने किरदार के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, जैसे कि बॉलीवुड के एक्टर रामा रेड्डी। रामा रेड्डी अपने असली नाम से कम लेकिन अब बाबा नाम के नायक से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। दूसरे नंबर पर हैं शोले फिल्म के सांभा। दोस्तों इनका असली नाम मोहन माकी जानी है लेकिन ये सांभा के नाम से फेमस हैं। इसी तरह दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ स्टेज प्रोग्राम के शरीफ अहमद यानी कि लाला मुनीम। दोस्तों इनका असली नाम शरीफ अहमद है लेकिन ये लाला मुनीम के नाम से बेहद जाने जाते हैं। दोस्तों इनका लाला मुनीम का किरदार बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों अगर जो बात हो आखिरी गोली डाकू तूफान सिंह यानी कि लाला मुनीम की, तो इनका नाम पहले लिया जाता है। दोस्तों इनके ऊपर लाला मुनीम का किरदार बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों जब ये धोती कुर्ता और छतरी लेके स्टेज पे एंट्री करते हैं तो पब्लिक बहुत ज़ोरों शोर से खुश होती है। बात बात पे इनका स्टेज के कोने पे बैठ जाना लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इनका एक डायलॉग तो हर कोई जानता है यानी कि ठाकुर साहब मैं भी उसके साथ में हैया हैया करूँगा, आगे दुकान पीछे मकान, प्रीतम है मेरा नाम। दोस्तों ये डायलॉग इनका हर कोई जानता है। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ लाला मुनीम यानी कि शरीफ अहमद के बारे में, तब तक देखते हैं ये इनका धमाकेदार सीन। मेरी बात मान ले, यहाँ से चले जा, वरना अच्छी तरह जानता है मैं नागों का नाग हूँ, मैं नागों का नाग हूँ, वो जहरीला नाग है जो डरता नहीं सीधा। लेकर जाते हो अपना फल, हम अभी कुचल देंगे जो कहते हैं। हम होता तो तब तक कुचल गया होता। तो अरे नाग परिणाम किसने भेजे, दुल्हनिया को छोड़ दो, हम इसको अपनी दुल्हनिया बनाए। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ शरीफ अहमद यानी कि लाला मुनीम के बारे में। मैं मसू खान दूंगा इनके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों इनका असली नाम शरीफ अहमद है, ये ग्राम अहमदपुर थाना मानपुर पोस्ट मानपुर जिला सीतापुर के रहने वाले हैं। दोस्तों इनका नौटंकी प्रोग्राम में जाने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ मैं मसू खान बताऊंगा इनके बारे में पूरी जानकारी, तब तक देखते हैं ये इनका धमाकेदार सीन।
दोस्तों नौटंकीपुर ग्राम जाने से पहले ये पहले गुड़ बनाने का काम करते थे। जी हाँ दोस्तों, इनकी गुड़ की भट्टी थी, ये घर पे रहते थे और गुड़ बनाते थे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ही एक दिन ये कहीं जा रहे थे। दोस्तों किसी बाग में बाबर खान एंड पार्टी अपने शमशा फिरोजपुर ग्राम की रिहर्सल कर रहे थे। दोस्तों वही जगह पे ये निकले, इन्होंने देखा कि भाई क्या हो रहा है, तो उन लोगों ने देखा नौटंकी की किताब लेके अपने कोई बहर तबील याद कर रहे थे। इन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम नौटंकी की रिहर्सल कर रहे हैं, आप आके ज़रा ट्राई करो। दोस्तों इनको जब ये मौका मिला तो इन्होंने अपना टैलेंट दिखा ही दिया। दोस्तों वो बहर तबील इन्होंने बाखूबी कह डाली। बाबर भाई लोग इनके ऊपर खुश हो गए, कहने लगे आज के बाद तुम्हें हमारे साथ में चलना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले इन्हें गांव बहननपुरवा में शाही हकीम के किरदार निभाने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले शाही हकीम मोहब्बत की पुतली में शाही हकीम का किरदार निभाया, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। जी हाँ दोस्तों, उसी दिन से इन्हें स्टेज प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ शरीफ अहमद यानी कि लाला मुनीम। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ शरीफ अहमद यानी कि लाला मुनीम की रियल ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। तब तक देखते हैं ये इनका धमाकेदार सीन। दोस्तों इन्हें जो भी रोल दिया जाता है ये बाखूबी निभा देते, चाहे वो डाकू नाग सिंह हो या लाला मुनीम हो या शाही हकीम हो। दोस्तों लाला मुनीम का किरदार इनके ऊपर बहुत ही अच्छा लगता था। दोस्तों इन्होंने एक भोजपुरी फिल्म में भी काम किया जो अभी तक पर्दे पे नहीं आई है। दोस्तों आज मैं बात कर रहा था शरीफ अहमद यानी कि लाला मुनीम के बारे में। दोस्तों लॉकडाउन चलते हुए आजकल ये घर पे रह रहे हैं। अगर जो दोस्तों इनसे बात करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए। हम्म।